साथियों, मुझे पता है जो आदमी जमीन पर रहने के लिए अपनी जगह तलाश लेता है उससे नीचे उसे कोई गिरा नहीं सकता। गांधी ने जो प्यार दिया, एक कहावत है बुजुर्गों की, जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो उतनी जल्दी नीचे गिर जाती है। तो लोगों ने कहा कि जो प्रकाश बहुत जल्दी ऊपर गया इसलिए एकदम से बहुत जल्दी नीचे गिर गया। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों के पैरों में आगे गिरा हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगली बार ये जयप्रकाश बहुत धीरे धीरे ऊपर चलेगा और उसके बाद कभी नीचे नहीं गिरने का काम करेगा। मेरे सम्मानित साथियों, बासी परीक्षाओं से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, अपने हौसलों को ये कभी मत बताना कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों को ये बताना कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हम लोग अभी बहुत से बीच में बहुत से मैसेज आए, ये सारी बातें हमको आपके साथ ही बताएंगे। अभी कल परसों हमको आजमाने के लिए इस हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फॉर्म डायरेक्ट आया था, लेकिन हमने कहा था ये माननीय साहब काफी राम के पैरों की धूल है। जिस प्रकार से इस कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के माननीय साहब काफी राम को राष्ट्रपति की उपाधि देकर के उसके मूवमेंट से भटकाने का प्रयास किया था, ये उसी पैरों की धूल है। ना कभी झुकेगा, ना कभी बिकेगा, ना तुम्हारे नाच में आएगा और ना कभी झुकने का काम करेगा। उसने मुझे बताया, हम तुमको ऑफर देते हैं सीट का, हम तुमको ऑफर देते हैं आंसुओं का, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, हमने बताया कि हम तुम्हारे मूवमेंट में आकर के एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी मूवमेंट में चलते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती को बहुत जल्दी 2019 का प्रधानमंत्री। इस देश में कभी कहा जाता था जो भी मानने से इस देश में सरकार नहीं बन सकती, जो भी मानने से एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपने ये प्रूफ कर दिया कि पहले कभी जय भीम बोलने से सरकार नहीं बन सकती थी, तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार देश में नहीं बन सकती। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपके बीच में तो बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। मैं तो जब ये बोल रहे तो मेरी आंखें नम हो रही थी कि जिन लोगों ने अपने सपूत को खोया हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा वजन जल होता है जब किसी बच्चे की हड्डी उसके बाप के कंधे पे जाती है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े दिल रखने वाले लोग हमारे समाज में पैदा होने लगे हैं, तो याद रखना ये कर्म पीछे नहीं जाएगा। और मेरे नौजवान साथियों, मैं पूरे देश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के इस आंदोलन में अपनी जान देने का मतलब है बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने के समान है।
Thank you.